गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आरबीएसई एग्जाम गाइड। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इंग्लिश के एग्जाम में आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को कैसे प्रेजेंट करें, उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए जिससे आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स या फिर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दे। तो सबसे पहला पॉइंट वही हाईलाइटिंग का है, आपको हेडिंग डालनी है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वो डालना है, उसे हाईलाइट करना है अच्छे से ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कॉमा से। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी रेफरेंस और उसके बाद आपको उसे भी अच्छे से हाईलाइट करना है, या तो आप ब्लू से लिख के ब्लैक से उसे हाईलाइट करिए या फिर ब्लैक पेन से लिख के उसे हाईलाइट कर दीजिए। उसके बाद लिखना है फॉलोइंग लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम, जो भी पोयम का नाम होगा, रिटन बाय उसके राइटर का नाम लिख दीजिएगा, ये आपका रेफरेंस हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट में आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है अपनी पोयम का, दो या तीन लाइन बहुत होगी तो आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है, हाईलाइट करना मत भूलिएगा, सेकेंड पॉइंट डालिएगा। फिर थर्ड पॉइंट जो आएगा एक्सप्लेनेशन है, हाईलाइट करना है। उसके बाद उसका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन आपको उसका डिस्क्रिप्शन देना है। फोर्थ पॉइंट आएगा एक तो विशेष, वैसे इंग्लिश में लिखना होता है क्रिटिकल कमेंट, इसके अंदर आपको इसे हाईलाइट करना है। उसके बाद ये दो लाइन तो आपको समय लिख ही देनी है, कोई सी पोएम आए, पोएट यूज गुड वर्ड्स, मतलब पोएट ने अच्छे वर्ड्स यूज किया, अट्रैक्टिव वर्ड्स यूज किए, ये लाइन डेफिनेटली लिखनी है। और सेकेंड लाइन आपको लिखना है ही गॉट सक्सेस इन डिलीवरिंग हिज मैसेज, जो भी। तो ये था एक प्रेजेंटेशन आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का, इसे इस तरह से लिखिएगा आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा, वो गलत नहीं होना चाहिए वरना आपका यहाँ मार्क्स कट जाएगा 1/4 या जितना भी होता है। तो ये बेसिक गाइडलाइन थी इंग्लिश के पेपर में आपको कैसे आंसर प्रेजेंट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम ऐसे स्टडी टिप्स के साथ अगली बार लौटेंगे। थैंक यू।